हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द bmsclasses.com। आज की हमारी संपूर्ण संस्कृत व्याकरण की एग्ज़ाम सीरीज़ का पार्ट थर्ड है और इसमें हम बात करेंगे वाच्य के बारे में। अगर आपने पार्ट दो और पार्ट वन नहीं देखा है, पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है या फिर आई बटन पर क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। वहाँ से ये इतनी इम्पोर्टेंट आपके लिए होने जा रही है, क्योंकि संस्कृत का इस वे में बीएमएस के लिए खासकर तो कहीं आपको नहीं मिलेगा पूरे इंटरनेट पर। क्योंकि हम भी जब फर्स्ट ईयर में थे तो हमने खुद इस चीज़ को देखा था, रिकॉग्नाइज़ किया, लेकिन हमें कहीं नहीं मिला। तो फिर हम अभी फ़िलहाल हम जब कंप्लीट कर चुके हैं तो अभी फ़िलहाल हम देखते हैं और इन प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम आपके लिए ये चैनल लेके आए हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबका सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो आज की सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं वाच्य की। पहली दो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। और वाच्य जो होता है बीएमएस के क्वेश्चन पेपर में, संस्कृत के पेपर में 10 नंबर का आता है, यानी 100 में से 10 नंबर का ये अकेला टॉपिक आता है, ठीक है। मुश्किल से 5 सेंटेंस है जिन्हें कन्वर्ट करके आसानी से आप 10 नंबर ले सकते हैं। अब उन्हें कन्वर्ट कैसे करना है, काहे में कन्वर्ट करना है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पे देखिए वाच्य लिखा है। वाच्य से क्या मतलब होता है? वाच्य से मतलब होता है वॉइस, ठीक है। जैसे इंग्लिश में होता है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक ऐसे ही संस्कृत में भी होता है। 3 होता है यहाँ पे, वहाँ पे 2 होता है। वॉइस का मतलब बोलना, किसी भी सेंटेंस को हम किस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 3 होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ठीक है। कृतवाच्य में कृता प्रधान, कर्मवाच्य में कर्म और भाववाच्य में भाव, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कृतवाच्य, कर्मवाच्य, सकर्मक धातु रूप होते हैं। धातु से क्या मतलब है? क्रिया। तो संस्कृत में क्रिया को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, ठीक है। तो कृतवाच्य और कर्मवाच्य ये दो वाच्य हैं, वो सकर्मक होते हैं, यानी कर्म के साथ। इनमें कर्म भी होता है और धातु भी होता है, मतलब क्रिया भी होती है और कर्म भी होता है, ठीक है। लेकिन जो भाववाच्य है उसमें कर्म नहीं होता, इसलिए वो अकर्मक कहा गया है, ठीक है। उसमें सिर्फ क्रिया और कर्ता होता है, ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं कि इन्हें बनाना कैसे है, किस तरह का इनका ये होता है, डिजाइनेशन होता है, कैसे ये बनते हैं सेंटेंस। तो कृतवाच्य का जब सेंटेंस होता है, देखिए क्या होता है, कोई भी सेंटेंस 3 मेन पार्ट होते हैं, कर्ता, क्रिया और कर्म, ठीक है, किसी भी सेंटेंस के। लेकिन जो कृतवाच्य है इसमें क्या है, कर्ता प्रथम विभक्ति में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बता रहा हूँ, इसको कहीं नोट कर लीजिए। या आपको PDF चाहिए ना ये चीज़, तो हम एक पैनल तैयार कर रहे हैं, बहुत जल्दी हमारी वेबसाइट पे वो पेज आ जाएगा, ठीक है, और वहाँ से आप PDF सारी डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए क्या है, कर्ता जो है प्रथम विभक्ति में है, प्रथम विभक्ति में होना ही चाहिए, इसका रूल है कि जो कृतवाच्य में कर्ता होगा वो प्रथम विभक्ति में होगा। अगर विभक्ति और आपने ये धातु रूप और शब्द रूप नहीं अभी तक पढ़े हैं, नहीं आपने समझे हैं, तो ये अगली वीडियो में आप देखेंगे। हम ही यहाँ पर कल एक वीडियो लॉन्च करेंगे, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आपको शब्द रूप और धातु रूप बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, बहुत इम्पोर्टेंट बताएंगे, जो आए हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, बुक में आपको एक टेबल दिखेगी, रामे रामो रामा, या पठती पठत पठंती, या फिर सैतवते तमतवतान, इस तरह से करके एक टेबल दिखेगी, उसमें 7 मेन विभक्ति जिनका उपयोग हम करते हैं यहाँ पे। तो उस टेबल को आप ओपन कर सकते हैं, या फिर हम इस वीडियो में भी आपको वो टेबल दिखाएंगे। फिलहाल अभी समझ लीजिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए कृतवाच्य का। तो जैसे टेंस का स्ट्रक्चर होता है, ठीक ऐसे इसका भी होता है कि कर्ता जो है प्रथम विभक्ति में होना चाहिए और जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार होनी चाहिए, ठीक है। कर्ता के अनुसार मतलब जैसे कर्ता प्रथम विभक्ति में है तो क्रिया भी प्रथम विभक्ति में होगा, अगर कर्ता एक वचन आता है तो क्रिया भी एक वचन होगा, ठीक है, ऐसे होगा। फिर कर्मवाच्य जो होगा वो हमेशा द्वितीय विभक्ति में होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कर्ता एक वचन होगा तो पूरा सेंटेंस एक वचन में बन जाएगा, ऐसा समझने वाली बात है, तो ये बहुत आसान हो जाता है। अब हम फटाफट से देख लेते हैं इसका उदाहरण। तो चोर है धनम चोरयति, ठीक है। तो चोर यहाँ पे क्या है, कर्ता है, धन क्या है यहाँ पे, कर्म है, और चोरयति क्या है यहाँ पे, धातु है, धातु से मतलब क्रिया है। तो चोर कर्ता, तो कर्ता का एम होना चाहिए प्रथम विभक्ति में, इसका स्ट्रक्चर में लिखा है, तो चोर का प्रथम विभक्ति एक वचन यहाँ पे चोर का हो जाएगा, प्रथम विभक्ति एक वचन। धनम जो लिखा है ये द्वितीय विभक्ति में होता है, ऐसा ऊपर स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है कि
कि जो कर्म है वो द्वितीय विभक्ति में होता है, तो धनम जो होगा वो द्वितीय विभक्ति एक वचन में बनेगा। और जो चोर्यति है, ये चोर्यति चर धातु रूप होता है, तो ये किसके अनुसार बनता है? ये बनता है हमारा कृतवाच्य में कर्ता के अनुसार। तो कर्ता क्या है? प्रथम विभक्ति एक वचन, तो ये प्रथम पुरुष एक वचन। तो चर धातु है तो चरती होना चाहिए था। चोर्यति क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये आत्मने पद में लिखा है, इसमें यह लगा के एक स्पेशल तरीके से लिख देना, ये होता है आत्मने पद। जितने भी वाच्य हैं ना, सब में ज़्यादातर हम आत्मने पद में लिखते हैं, ठीक है। आत्मने पद से मतलब किसी भी धातु में हम यह लगा के इसे एक स्पेशल तरीके से लिख देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये टेबल आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है? रामे लिखा है। तो ये जो रामे लिखा है, अरे क्या हो रहा है, ये रामे जो लिखा है ये प्रथम विभक्ति एक वचन है। यहाँ से इसको ऐसे देखते हैं, प्रथम विभक्ति एक वचन। तो प्रथम विभक्ति और तृतीय विभक्ति इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद ही करनी होगी किसी भी कंडीशन में। अब यहाँ पे रामे लिखा है, हम बाल के भी फिट कर सकते हैं, ठीक है। हम हर यहाँ पे हम कुछ भी फिट कर सकते हैं, जो भी वर्डिंग्स आएगी, ठीक है। यहाँ पे सोहेन फिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी का भी नाम फिट कर सकते हैं। अब ये चीज़ समझ गए आप कि हम विभक्ति कैसे देखते हैं? अगर वहाँ पे रामा लिखा होता तो यहाँ पे होती प्रथम विभक्ति बहुवचन, ठीक है। ठीक है, रामेण कहीं लिखा है तो वो क्या होगा? तृतीय विभक्ति एक वचन, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, ठीक। तो ये समझ गए होंगे। अब आते हैं कर्म वाच्य का सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है बनाने का। अभी देखिए, इसमें ये जो लिखा है सेंटेंस का स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक रूल है जिससे आप बना सकते हैं किसी भी चीज़ों को। देख लेना, बहुत ध्यान से देखना है। कर्ता जो होगा तीसरी विभक्ति होगी, तो यहाँ पे तीसरी विभक्ति आएगी, वहाँ पे कह रहा था प्रथम, और कर्म यहाँ पे प्रथम में होगा, और क्रिया यहाँ पे कर्म के अनुसार होगी। ये कर्म वाच्य है तो यहाँ क्रिया कर्म के अनुसार होगी, यानी कर्म अगर प्रथम विभक्ति में है तो ये भी प्रथम विभक्ति में होगी, क्रिया भी प्रथम विभक्ति में होगी, ठीक है। और ध्यान एक चीज़ और रखनी है कि हम आत्मने पद में लिखते हैं, ठीक है। अब उदाहरण देख लेते हैं, बालका गुरुणा पाठ्यन्ते, यानी बालक द्वारा या बालक गुरु द्वारा पढ़ाए जाते हैं, ऐसा इसमें लिखा है कि बालक गुरु द्वारा पढ़ाए जाते हैं। कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, यहाँ पे देखिए बालक किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है? गुरु के द्वारा। तो गुरु पढ़ाने का काम कर रहा है, किसे पढ़ा रहा है? बालकों को। तो गुरु क्या हो गया? कर्ता, और बालक क्या हो गए? कर्म। ऐसे कन्फ्यूज नहीं होना है, तो ठीक है। गुरु क्या हो गया? कर्ता हो गया। बालका क्या हो गया? बालक क्या? बहुत सारे बालक है ना, एक बालक थोड़े ना है। बालक गुरु द्वारा पढ़ाए जाते हैं तो बहुत सारे बालक हो गए, तो बहुत सारे बालक है तो बहुवचन होगा, एक चीज़ क्लियर हो जाती है, ठीक है। कर्म वाच्य है तो यहाँ पे सबसे पहले हम कर्ता लेते हैं, ठीक है। कर्ता जो होगा हमारा, तो जो कर्ता होगा हमारा वो तृतीय विभक्ति में होगा। तो कर्ता हमारा यहाँ क्या है? गुरुणा। तो गुरुणा काहे में लिखा है? तृतीय विभक्ति में लिखा है, ठीक है। ध्यान देंगे जब हम टेबल पर जाएंगे तो जैसे रामेण था, ऐसे अगर गुरु के जब आप रूप देखेंगे ना तो वहाँ पे लिखा होगा गुरुणा, ठीक है, बहुवचन में, ठीक है। अब रामेण क्या था? एक वचन में था। यहाँ पे आ जाते हैं अब कर्म, कर्तम, कर्म जो होगा वो प्रथम विभक्ति में होगा, ठीक है, ये ऐसा रूल है। और क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्म के अनुसार होगी, क्योंकि ये कर्म वाच्य है। तो पठ्यन्ते लिखा है, आत्मने पद में लिखा है, तो पठती होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? पठती पठत पठंती होना चाहिए था। जब पठंती होना चाहिए था तो ये पाठ्यन्ते लिखा गया है, इसको लिखने का तरीका बदल दिया गया है, लिखा पाठ्यन्त, तो पठंती ही है। पठती पठत पठंती होना चाहिए था, प्रथम पुरुष बहुवचन पठंती होता है, लेकिन यहाँ पे पाठ्यन्ते उसे कर दिया गया, क्योंकि ये आत्मने पद में यह लगा के आत्मने पद में हम कन्वर्ट इसको कर देते हैं। तो आप समझ गए होंगे क्या चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो ये एग्जाम्पल था, ये था कर्म वाच्य। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, हम भाववाच्य पे चलते हैं। भाववाच्य में कुछ भी नहीं होता, भाववाच्य में सिर्फ दो चीज़ होती हैं, एक होता है क्रिया, एक होता है कर्ता। तो कर्ता इसका जो होगा वो तृतीय में होगा, और क्रिया जो होगा प्रथम पुरुष एक वचन होगा, ठीक है, बस इतना याद रखना है। तो तेन गम्यते, उसके द्वारा गमन किया गया, तो इसमें कहाँ से कर्म है कुछ? यहाँ उसके और गमन करना, गमन यानी जाना, तो वो गया, ठीक है। तो वो क्या होगा? कर्ता, और गमन करना क्या होगा? क्रिया। तो दो ही चीज़ इसमें होती हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे यहाँ पे
परिवर्तन की ओर। तो परिवर्तन करते हैं, पहला सेंटेंस है, कई बार आया भी है, सोहन वेदम पठ्यति, ठीक है, सोहन वेदम पठ्यति। तो यहाँ पे देखिए कृतवाच्य का एक यहाँ पे था कि भैया जो कर्ता होगा, सोहन लिखा है कर्ता, तो कर्ता तो होगा प्रथम में, ठीक है, कर्म होगा द्वितीय में, ठीक है, और पठ्यति जो लिखा है यहाँ पे, जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार, क्योंकि ये कृतवाच्य है, समझ गए ना। तो अगर पठती लिखा है ना यहाँ पे, पठती क्यों लिखा है, क्योंकि ये प्रथम विभक्ति एक वचन है, सोहन जो लिखा है यहाँ पे, कर्ता जो है वो प्रथम विभक्ति एक वचन है, तो क्रिया भी कर्ता के अनुसार होगी। ये शेड्यूल लिखा है वहाँ पे, स्ट्रक्चर लिखा है, वो स्ट्रक्चर देखिएगा एक बार अच्छे से, ठीक है, फिर इनसे चेंज करते हैं। अब एक चेंज करने में क्या होता है कि यहाँ पे जो सोहन है, सोहन तो प्रथम विभक्ति एक वचन में है, सोहन का ही हम जब कर्मवाच्य बनाते हैं तो सोहनेन करते हैं, क्योंकि कर्ता है तृतीय विभक्ति में होगा, ऐसा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में लिखा है कि कर्ता जो होना चाहिए कर्मवाच्य का वो तृतीय विभक्ति में होना चाहिए, एक वचन है तो यहाँ भी एक वचन ही होगा, तो तृतीय विभक्ति में सोहनेन बनता है। अब वेदम का क्या बनेगा, वेदम का कर्मवाच्य में जो कर्म होता है वो क्या होता है, प्रथम विभक्ति एक वचन होता है, तो ये वेद हो जाएगा, और जो क्रिया यहाँ पे है ये कर्म के अनुसार होगी, तो ये भी प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा, समझ गए होंगे। तो इसे आत्मने पद में हम कैसे लिखेंगे, पठती को पठ्यते लिख देंगे, ठीक है, पठ्यते, ठीक है, पठ्यते, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब यहाँ से समझने वाली बात क्या है, अब आ गए हैं सर्वनाम। सर्वनाम होते हैं जैसे तुम, आप, मैं, ये सब सर्वनाम है, यानी जो संज्ञा के स्थान पर किसी के नाम के, जैसे राम वहाँ जाता है, राम के स्थान पे मैं वह लगा देता हूँ, तो वह क्या होगा कि वह वहाँ जाता है, अब वह क्या होगा, अपने आप में एक सर्वनाम हो गया, क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पे यूज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है तुम, अब देखो समझने वाली बात एक चीज़ है इसमें, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो एक अजीब तरीके से बनते हैं, क्योंकि इनका एक नियम होता है ट्रांसलेशन के दौरान। अब नाम वाले तो आपने देख लिए कि सोहनेन हो गया, राम हो गया, इस तरह से होगा, वो तो सिंपल ही वो उनका स्ट्रक्चर है, ऊपर बन जाएगा, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर में ये भी बनेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे त्वम लिखा है, त्वम से क्या मतलब है, तुम, त्वम से क्या मतलब है, तुम, अगर मैं इसे देखूँ ये प्रथम विभक्ति एक वचन में आता है, लेकिन तीन पुरुष होते हैं, एक होता है प्रथम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष और एक होता है उत्तम पुरुष, तो जो त्वम होता है यानी तुम होता है वो मध्यम पुरुष में आता है, बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में कहा जा रहा हो, ठीक है। तो जो ये त्वम है यानी तुम है ये मध्यम पुरुष में आता है और मध्यम पुरुष ही इसके साथ क्रिया में लगेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक वचन, तो हो गया ही, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ मध्यम पुरुष हो गया है, ठीक है। इसकी टेबल में एक बार आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए, अब हम आते हैं इसकी टेबल पे, आ रहे हैं, कहाँ चली गई इसकी टेबल, यहाँ देखिए सर्वनाम में जैसे त्वम लिखा है यानी तुम लिखा है, ठीक है, तो तुम क्या है यहाँ पे, तुम यहाँ पे क्या हो जाता है, एक प्रथम विभक्ति एक वचन, लेकिन क्योंकि ये एक वचन तो रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, एक वचन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन ये क्या है, मध्यम पुरुष है, ठीक है जी, ये मध्यम पुरुष है और इसीलिए इसके साथ मध्यम पुरुष ही लगेगा, ठीक है, इसके साथ, ये ट्रांसलेशन का नियम है, इसके साथ त्वम के साथ मध्यम पुरुष ही लगता है, तो त्वम लिखा है तो त्वम के साथ गच्छसी लगा है, ठीक है, कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है, मध्यम पुरुष एक वचन लगेगा और नगरम का तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं, क्योंकि इसका तो रूल है कि द्वितीय में बनेगा, द्वितीय में ही बनेगा, ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये तो होता है भाई प्रथम विभक्ति में ही होना चाहिए, ये द्वितीय में होना चाहिए, ये किसके अनुसार होना चाहिए, ये कर्ता के अनुसार होना चाहिए, लेकिन कर्ता क्या है, मध्यम पुरुष है, तो मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष यहाँ पे लगेगा, गम धातु का मध्यम पुरुष होता है, एक वचन होता है गच्छसी, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, कन्वर्ट करने का भी सेम तरीका है, त्वया ये तृतीय विभक्ति है, देखेंगे वहाँ पे टेबल में आगे, तो देखेंगे कि वहाँ पे त्वया ये फिर तृतीय विभक्ति एक वचन हो जाता है, नगरम फिर द्वितीय बनता है, ठीक है, ऐसा इसमें नियम है, द्वितीय सेम है यहाँ पे, ठीक है, और गम्यते गच्छसी को गम्यते में परिवर्तित करते हैं, ठीक है,
ये बहुत सिंपल हो जाता है। आप देखेंगे इसकी प्रैक्टिस करेंगे, गच्छसी को गम्यते में परिवर्तित कर दिया जाता है। अब जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ तीसरे पे आ जाते हैं, वयम जो होता है उत्तम पुरुष होता है, ठीक है। वयम उत्तम पुरुष होता है तो पिबाम लगा है, ठीक है। पिबाम क्यों लगा है? क्योंकि उत्तम पुरुष और बहुवचन, ठीक है, उत्तम पुरुष और बहुवचन, यहाँ पे भी ये बहुवचन है और उत्तम पुरुष है, ठीक है, वयम, ठीक। और ये तो द्वितीय में रहता है, इसका कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे ये तृतीय में रहेगा, इसका भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बहुवचन है तो बहुवचन रहेगा, ये द्वितीय में होगा, इसका भी कन्फ्यूजन नहीं है, एक वचन होगा, ठीक है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पियते, हम पिबाव को हम पियते में कन्वर्ट करते, तो जहाँ पे जलम लिखा है तो जलम ही लिखा रहेगा, नगरम लिखा है तो नगरम ही लिखा होगा। ये सर्वनाम की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि सर्वनाम में होता है, ठीक। ये हो क्यों नहीं रहा है, जल्दी जल्दी हो जाए फटाफट से। नेक्स्ट चलते हैं हम चौथे पे, तो चौथे में देखो स लिखा है और स यहाँ पे प्रथम पुरुष होता है, तो इसी के हिसाब से कर ये यहाँ पे क्रिया भी क्या लगेगी, प्रथम पुरुष एक वचन, ये तो द्वितीय रहेगा, सेम है। तेन क्या होगा, तृतीय विभक्ति, इसी का ही सैतवते तमतवतान, तेन ते व्यम, तेन से क्या होगा प्रथम पुरुष, यहाँ पे तेन से क्या होगा तृतीय विभक्ति एक वचन। नगरम जो है वो सेम रहेगा जो द्वितीय है, और गमिष्यति, तो गमिष्यति का हो जाएगा गमिष्यते, ठीक है, ये आत्मनि पद में हम लिखते हैं इसको। समझ आ गया होगा क्या चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ये है गम धातु, गम यानी जाना, ठीक है, तो इसके धातु रूप आपको याद करने होंगे, ये होता है लट लकार वर्तमान काल, ठीक है, ये भूतकाल लट लकार, और ये लिट लकार क्या होगा भविष्यकाल, और लोट लकार होता है। ये सारी चीज़ें हम आपको अभी बताएंगे अगली वाली वीडियो में। तो ऐसे ही सात अवते तम तव तान तेन ते भ्यम ते तस्मिन ते भ्यंते व्यय तस्मात् ते भ्यम ते व्यय तस्य ते होते शांत तस्मिन ते होते शु, ये एक पूरा सात विभक्ति का यहाँ तत्व का रूप होता है। इसमें से कुछ भी पूछ लिया जाता है, जैसे तत्व के चतुर्थ रूप बताए तस्में ते भ्यम ते व्यय तस्में ते भ्यम ते व्यय, ये आपको लिखना होगा, ठीक है। इसमें जैसे पी धा पा धातु लिखा हुआ है, पा धातु के रूप इस तरह ही हैं, पिपति पिबत पिबंती पिपसी पिबत पिबत, ये बताऊँगे आप पढ़ती पढ़ती पढ़ंती, सेम होते हैं सब धातुओं के रूप। सर्वनाम की बात करी गई है, यश्म ये अस्मद और यश युष्मद, युष्मद का मतलब तुम, अस्मद का मतलब मैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, फटाफट से आ जाते हैं क्वेश्चन पेपर में। किस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे आया है, वाच्य का, वाच्य का क्वेश्चन आया है कि मोहन हंसते, मोहन हंससी, ठीक है, तो इसको इन्होंने कहा है कि मोहन हंससी का वाच्य परिवर्तन कीजिए। तो सिंपल सी बात है, मोहन और हंससी दो चीज, दो ही चीज़ लिखी है, मोहन हंसता है, तो ये लट लगार यहाँ पे हो जाएगा, मोहन का क्या हो जाएगा, मोहन का हो जाएगा मोहन, ठीक है, मोहनेन मोहनेन हंसस्यति, ऐसे आप लिख सकते हैं। सीता पुस्तकम पढ़ती ते गच्छति, ते गच्छन्ति, अहम का बता दिया है मैंने, ते का सैतव ते, ते का बता दिया है, राम का आप लिख सकते हैं, ठीक है, सीता, ये सब तो नाम है, ये सब आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी क्या है अपने आप में, क्या है यहाँ पे, ये कृतवाच्य है, देखो इसमें भी भाववाच्य नहीं आया है, ये सिर्फ कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है, तो भाववाच्य इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, कभी कभार एक आधा सेंटेंस आ जाता है, वक़्त नहीं आता है बिल्कुल भी, ठीक है, तो इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो ये था एग्ज़ाम पेपर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक ऐसे ही बनेंगे जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल में आपको बना के दिखाए हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको टेलीग्राम पे बना के आपके सामने वहाँ पे सोल आउट कर दूंगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया मेरा, तो वहाँ पे जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय आयुर्वेदा।